वेलकम टू द ब्लॉग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग के अंदर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और आनंद होंगे। आज के दिन की शुरुआत लगभग 11:30-12 बजे कर रहे हैं। अभी हम कहीं बाहर जा रहे हैं, कई प्रोग्राम में उनके यहाँ पे जा रहे हैं, तो फिर प्रोग्राम करने के बाद में आके फिर मिलते हैं। और आज बहुत भारी सीन हो गया आज, ये इसको आज हमने जल्दी अंदर बांधना पड़ा क्योंकि बाजू में किसी काम चल रहा था, तो उसके यहाँ पे उसकी प्लास्टिक की कोठी हमारे यहाँ पड़ी हुई थी, तो स्थिति हुई कि वो लेबर कोठी लेने गई और ये तो ऐसा फड़का कि बाहर इतनी ऊंची दीवार है उसके ऊपर चढ़ गया, मतलब दो पाँव ऊपर थे और दो नीचे थे, गिर भी गया, लग भी गई, लगी नहीं इसकी जोड़ेरा, एकदम से वापस मैंने पकड़ लिया फड़ते थे कि मतलब इतना डरता है ये, कोई भी अनजान व्यक्ति से ज़बरदस्त डरता है। बाकी हमारे ऊपर तो आप जानते हो डेली शेयर बनता ही है, लेकिन अनजान व्यक्ति से बहुत डरता है। अब इसको अंदर रखना पड़ेगा क्योंकि बाहर पास में काम चल रहा है, कोई भी लेबर आएगी और एकदम से भागानाटी मचाएगा तो कहीं भी लग सकती ना यार, और डरपोक बहुत है। चले देख, ये देखो ये हम पास में जाएंगे, अभी कपड़े भी खींचेगा ये, तो जा रहे हैं बाहर। अभी गंगा की व्यवस्था करके जाना पड़ेगा, पानी वानी उसकी व्यवस्था करते थे, रख देते हैं। ये तेरे पानी लेने में नीचे रख दे पर रख देते इसके लिए। ये चारों जो हुक लो ये आपने पास हम तो चारों ही से है ना, चारों ही कांगा भी गए, कांगा भी ये रख देते थोड़ा सा इसके लिए, ताकि शाम को आएंगे 2-3 बज जाएगी तब तक इसकी व्यवस्था रहेगी, है नहीं? 2-3 कई बजे आइए तो जाए। इसके रख दिया खाने का, अब हम निकलते हैं। खतरनाक गर्मी से आए हैं अभी, जस्ट आए, और निर्मल तो बुशर्ट खोल दिया बिल्कुल, जबरदस्त गर्मी थी, भरी दोपहरी में गए और भरी दोपहरी में वापस आए। 20-25 किलोमीटर रहे इनमें, 25 किलोमीटर जाना, 25 किलोमीटर आना एक्टिवा के ऊपर, पर वह प्रोग्राम होता है मिलने वालों का तो जाना ही पड़ता है, खास होता है क्या क्या गए। पर अब चाय तो बनानी पड़ेगी, अब चाय बना के पियेंगे। पहले एक बार विशु को, फिर उसकी मम्मी को भी ले आता हूँ मैं सिस्टर के यहाँ से, फिर चाय बनाते हैं। घर से मोटरसाइकिल लेके निकले और ये मोटरसाइकिल बंद पड़ गई बिल्कुल, इसको ठीक करने के लिए लेके आए मिस्त्री जी के यहाँ पे, मिस्त्री जी ने ठीक करने के लिए, ये मोटरसाइकिल बंद पड़ी है, ये ख़राब हो गया एकदम से, थोड़ी चल रही और बंद हो रही है एकदम से, रेस ही नहीं पकड़ रही। मिस्त्री जी ने पकड़ ली गाड़ी को, अब रेडी कर देंगे। कार्बेटर मिस्टेक है, कार्बेटर खोल दिया है, अब इसको ठीक करने की प्रक्रिया चल रही है। ओके रेडी है, अब था ले जाओ गाड़ी, है नी गाड़ी ठीक करा के आ गए। गाड़ी का पैसा लागे 150 रुपये, 150 रुपये लग चुके हैं गाड़ी के अंदर, कार्बेटर के अंदर कोई मिस्टेक आ गई, कचरा आ गया था, उसको ठीक किया और गाड़ी ठीक करा के आ गया। और इधर ये कंजी महाराज मिल्क सेवन करते हुए देख लो, शाम की 4 बजे की चाय नहीं पिए, इसलिए चाय तो अभी बना के पीनी पड़ेगी। निर्मल क्या कहता है, पीनी के कई करना चाय? चाय तो पियेंगे, प्रोग्राम में गए जो लेट हो गए, लेट हो गए तो चाय पीनी जरूरी ही हो, हैं? चाय के बिना काम नहीं चलेगा, तो चाय तो पीनी पड़ेगी। तो अब चाय बना लेते हैं, शाम की 4 बजे की चाय शाम को 7 बजे बन रही है, तो चाय तो पीनी पड़ेगी, तो बनाते चाय। ये चाय बनकर रेडी है, चाय रेडी है, चाय बन गई है, अब पी लेंगे चाय और साथ में मंगा लेंगे चना चोर गरम, थोड़ा नाश्ता कर लेंगे। ये तो खाना खा के आए तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 3-3.5 बजे खाना खाया था, थोड़ी भूख लगी है, तो चना चोर गरम मंगा लेंगे वो और चाय।
ये बन गई चाय रेडी। अब चाय और चना जरूर गर्म कर लेते हैं, नाश्ते के साथ में चाय और चना जरूर गर्म। रोटी तो बनाएंगे नहीं, भूख लगी तो पकड़ी कर लेते हैं जैसे ना। कितनी बड़ी हो गई एकदम। ये डाली पपड़ी तो ये फूल गई एकदम से, बन्ना एकदम से बड़ी जोरदार, जस्ट डबल हो जाती तेल में तलने के बाद में। और ये सेक के खाते ना तो सेक के सेकने के बाद में छोटी रहती है पपड़ी, वो जो साइज होती है वही साइज रहती है, ज़्यादा बड़ी होती है। मज़ा आ गया। ये इतनी सारी पापड़ियाँ तल दी अभी। सारी पापड़े तला गई ये, और अब खा लेते हैं पपड़ी को। पपड़ी खा ली, और ये माता जी भी खा रहे हैं। माता जी धीरे धीरे खाते हैं क्योंकि इनके दांत सारे हिल रहे हैं इसलिए। और अब नींद भी आ रही, थक गए क्योंकि 25 किलोमीटर गाड़ी चलाना, 25 किलोमीटर गाड़ी चला के वापस लेके आना, और धूप के अंदर थकान हो जाती है। तो फिलहाल आज के ब्लॉग को यहीं पे विराम देते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बाकी आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जीवन का आनंद लेते रहे, और सदा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।